हेलो दोस्तों, मैं रूबी कुमार यहाँ पे देख रहे हैं आरके ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्विव मतलब भुजा, द्विव मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि दो भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए का मान आ गया 30, बी का मान आ गया 25 और सी का 25, ये दोनों भुजा बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको एस निकालना पड़ेगा, यानी कि अर्ध परिमिति। तो एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। तो यहाँ पर हम निकाल दिए, एस का मान आ गया 40 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान है 40, यहाँ पे होगा 40 माइनस 30, 40 माइनस 25 और 40 माइनस 25। इसको घटाएंगे तो 10, 15, 15। 40 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 10, यहाँ पे 10 और 15 का 5 × 3, 5 × 3। इसको बाहर निकालेंगे, सॉरी 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 2 जोड़े में से, और यहाँ पे 2 10 है तो 1 10 बाहर निकालेंगे, 3 भी 2 है तो 1 बाहर निकालेंगे, और 5 भी 2 है, यानी कि 1 5 बाहर। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ गया 300 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया 300 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर यह क्वेश्चन बन जाए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।